और अब बात यूपी के अमेठी और रायबरेली की कर लेते हैं, जहां बता दें अमेठी रायबरेली सीट को लेकर कांग्रेस में सस्पेंस है और पार्टी अध्यक्ष खड़गे ने सोनिया गांधी से की है बात। हालांकि गांधी परिवार नहीं लड़ेगा तो खराब संदेश जाएगा, ये खड़गे की तरफ से कहा गया है। उत्तर प्रदेश के दो वीआईपी सीटों पर उम्मीदवारी को लेकर सस्पेंस जारी है। नामांकन का एक दिन बचा है, लेकिन अमेठी और रायबरेली को लेकर कांग्रेस ने कोई फैसला नहीं लिया। राहुल और प्रियंका गांधी ने अब तक यहां से चुनाव लड़ने की हामी नहीं भरी है। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आलाकमान के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। देरी के चलते कांग्रेस कार्यकर्ताओं में बेचैनी बढ़ती जा रही है। कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी अमेठी और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़े। नामांकन के एक दिन बचे हैं, उसके बाद भी कांग्रेस में मंथन जारी है। कांग्रेस सूत्रों से खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से बातचीत की है। खड़गे ने सोनिया गांधी से कहा कि अमेठी और रायबरेली से गांधी परिवार नहीं लड़ेगा तो पूरे उत्तर भारत में खराब संदेश जाएगा। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा है कि मैं हार से नहीं डरता। राहुल ने कहा कि मैं अमेठी से भी लड़ लूंगा, लेकिन जीतने पर वायनाड नहीं छोड़ूंगा। वहीं प्रियंका गांधी का मानना है कि आजादी के आंदोलन से निकले दल से तीनों गांधी संसद में हो, ये शोभा नहीं देता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी से कह दिया है कि सियासी संदेश देने के लिए अमेठी और रायबरेली से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना होगा। खड़गे ने कहा कि कम से कम दोनों में से कोई एक तो लड़े ही। खड़गे से सोनिया के बीच बातचीत के बाद अब सोनिया गांधी के वीटो का इंतजार है। अब सवाल है कि सोनिया खड़गे के हस्तक्षेप के बाद क्या राहुल और प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने के लिए राजी होंगे? क्या राहुल या प्रियंका में कोई एक चुनाव लड़ेंगे? ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में गृहमंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। अमित शाह ने कहा, यहां पर किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी व्यक्ति को किसी को छूने की हिम्मत नहीं। गृह मंत्री अमित शाह धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। ओवैसी के गढ़ हैदराबाद में बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के समर्थन में एक रोड शो के दौरान हुंकार भरते हुए कहा कि हैदराबाद में किसी को डरने की जरूरत नहीं है, किसी की आपको छूने की हिम्मत नहीं है। मैं तय कर जाता हूं, किसी को डर रखने की जरूरत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं है हैदराबाद के एक भी व्यक्ति को हाथ लगाने। इस बार मुक्त मन से मतदान करिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर एक मतदाता कमर के निशान पर बटन दबाए और हैदराबाद को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम करें। आप करेंगे? माधवी बहन को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? और पश्चिम बंगाल में एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं की गाड़ी पर हमले को लेकर बड़ी खबर है, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी पर हमले के लगाए हैं आरोप। तस्वीरें आसनसोल के बराबनी विधानसभा की हैं, जहां ये प्रचार गाड़ी घूम रही थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि ये सब तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन पर हमला किया। हमलावर इतने उग्र थे कि उन्हें जान बचाकर भागना पड़ा। এবং ধমকি দেয়, যদি তোরা এই ধরনের বিজেপির প্রচার গাড়ি নিয়ে বেরোস তাহলে তো এই গাড়ি ভাঙচুর করে দেবো। তারা প্রতিবাদ করে স্পটে এবং বিকেলবেলা সন্ধ্যাবেলা আবার বেরোয়। যখন সন্ধ্যাবেলা আবার বেরোয় তখন সেই গাড়িকে ভেঙে ফেলা হয়। पीएम मोदी ने कांग्रेस को चैलेंज देते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो घोषणा करें कि ना आरक्षण का दुरुपयोग करेंगे ना संविधान के साथ कोई खिलवाड़ करेंगे। पीएम ने कहा, मोदी के रहते हुए आरक्षण का खेल खेलने नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस को कड़ी चुनौती दी। पीएम ने कहा, जब तक बीजेपी है मोदी है तब तक एससी एसटी ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीबों के आरक्षण की रक्षा करूंगा। कांग्रेस वाले उनकी जमात कान खोल के सुन ले, ये मोदी है, मोदी जब तक जिंदा है मैं तुम्हें कभी भी धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल खेलने नहीं दूंगा। मैं आज कांग्रेस के साहजादे को, कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस के सारे गाजे बाजे बजाने वाली जमात को
चुनौती देता हूं, अगर उनमें हिम्मत है तो घोषणा करें कि वे कभी भी धर्म के आधार पर न आरक्षण का दुरुपयोग करेंगे, न संविधान में खिलवाड़ करेंगे, न ही धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण देंगे। घोषणा करो हिम्मत हो तो, नहीं करेंगे क्योंकि दाल में कुछ काला है। गृहमंत्री अमित शाह ने कर्नाटक के जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े यौन शोषण मामले में कांग्रेस को जवाब दिया। शाह ने कहा, आपकी सरकार है, कार्रवाई आपको करनी थी। कर्नाटक में जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना पर यौन शोषण के आरोप लगने के बाद कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। अमित शाह ने रेवन्ना प्रकरण पर जवाब देते हुए कहा कि कोई भी महिला के साथ अत्याचार करेगा उसके साथ बीजेपी नहीं रह सकती। सुन लो सिद्धरामैया जी, डीके सुकुमार जी, सरकार आपकी है, कांग्रेस पार्टी की है, कदम उठाना था तो आपको उठाना था, आपने जब तक वोकल लिग्गा बेल्ट का चुनाव न हो कोई कदम नहीं उठाया, राजनीति करी, उनको भागदार जाने दिया। अरे हिम्मत है, हिम्मत है तो सच बताइए। अमित शाह ने कर्नाटक में सूखे का पैसा लेट से पहुंचने का कारण बताया। उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री को गिराने में पड़े और मुख्यमंत्री टिकने में पड़े, दरख्वास्त ही लेट कर दी, तीन तीन बार दरखास्त भेजी। पीएम मोदी ने कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान पर तंज कसते हुए कहा कि उसे एक फेक फैक्ट्री करार दिया। गुजरात के साबरकांठा में पीएम मोदी ने कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की दुकान में फेक सामान, फेक नारे, फेक वादे हैं। कांग्रेस पार्टी और पूरा उनका इंडी गठबंधन एक फेक फैक्ट्री बन चुका है। ये कहते हैं खुद तो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं मोहब्बत की दुकान, लेकिन की मोहब्बत की दुकान ऐसी है जो फेक सामान, फेक नारे, फेक वादे इसको बांटने में लगी हुई है।